स्वागत। अभी 33% आरक्षण महिलाओं को मिला है। जेपी नड्डा भी वो अभी बाहर निकलकर लोगों का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। तब बिहार में जोगी के जरूरत पा। मैं 33% आरक्षण के बाद पहली बार जगन्नाथ नड्डा जी हमारे बीच आ रहे हैं। तो मोदी जी को आभार व्यक्त करने के लिए हम सभी महिलाएं यहाँ उपस्थित। कि 33% महिलाओं को जो आरक्षण दिया उनकी खुशी में लोग ढोल लगा रहे, उनके स्वागत के लिए हम लोग खड़े हैं और हम बहुत खुश हैं। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पटना पहुँच चुके हैं और जगह जगह पे उनका स्वागत किया जा रहा है। ये ढोल बाजे के साथ जो है तमाम जो महिलाएं हैं वो स्वागत कर रही है, महिलाएं झूम रही हैं। आज नड्डा जी आ रहे हैं, महिलाएं क्या कहेंगी? महिलाएं बहुत हर्ष और उल्लास के साथ उनके स्वागत में खड़ी हैं, क्योंकि आज 33% आरक्षण के बाद पहली बार जगन्नाथ नड्डा जी हमारे बीच आ रहे हैं और हमारे भाजपा के विश्व पितामह कैलाशपति मिश्र जी का जन्म शताब्दी समारोह मन रहा है। आज हम लोग बहुत खुशी के माहौल में है और हम लोग महिलाओं में खासा उत्साह है, काफी खुश। नारी शक्ति बंधन अधिनियम बिल पास होने के बाद पहली बार भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जेपी नड्डा जी आ रहे हैं। उनको मोदी जी को आभार व्यक्त करने के लिए हम सभी महिलाएं यहां उपस्थित हैं। महिलाएं को उम्मीद क्या है नड्डा जी से, भाजपा की उम्मीद क्या है? अभी 33% आरक्षण महिलाओं को मिला है। आज हम अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी को दिखाना चाहते हैं कि 33% महिलाओं को जो आरक्षण दिया उनकी खुशी में लोग ढोल लगा रहे, उनके स्वागत के लिए हम लोग खड़े हैं। महिलाएं देखिए ये झूम रही है नड्डा जी के आने से पहले स्वागत में जो ढोल नगाड़े बज रहे हैं और महिलाएं यहाँ पे काफी प्रसन्न हैं। ये इस बात का प्रमाण है कि महिलाएं झूम रही है, पूरा झूम रही है, पूरा खुश है और हम बहुत खुश हैं। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, योगी आदित्यनाथ जिंदाबाद। के साथ लंबी कतार महिलाओं की है, क्योंकि महिला आरक्षण को लेकर जिस प्रकार से एक माहौल बना देश में और महिलाओं को खूब समर्थन जो है वो नरेंद्र मोदी को मिला और ये इस बात का प्रमाण है कि जेपी नड्डा के स्वागत में बड़ी संख्या में भाजपा की महिलाएं सड़कों पर खड़ी है लंबी कतार लगाकर अनुशासन के साथ कि ट्रैफिक डिस्टर्ब भी ना हो और हम लोग अपने नेता का स्वागत भी करें। Meow.